आदरणीय राजवंशी बाबू को। राजवंशी बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजवंशी बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद विनोद भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विनोद भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद विनोद भारती जी के चरणों में पहले नमन करता हूँ और शहीद विनोद जी के नाम पर जो यह मंच का बात हुई है साथी लोग, उसको भी मैं शहीद विनोद भारती जी के नाम पर देने का काम करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, राजाजी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथ ही साथ मैं इस बच्चे और बच्चे लोग जो अपना कला का प्रस्तुत किए, उन लोगों को भी अपने ओर से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़ते रहे। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य हैं और मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, हमारे प्रखंड के पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र राम जी जो मुखिया है अभी वर्तमान में लगे हैं। साथियों, यह कार्यक्रम जितना दिन से आप लोग चला रहे हैं, शहीद विनोद भारती जी अपने लिए नहीं, उनके माता पिता जी के चरणों में भी शरण लाता हूं कि आपने इसे वीर पुत्र का जन्म दिए। मरना तो सबको है, लेकिन देश के लिए शहीद हुए, देश को बचाने के लिए शहीद हुए, उनके नाम पर अगर यह मंच देने का बात है तो हम देंगे निश्चित रूप से। जगह जिंदाबाद मंच के लिए, जिंदाबाद मंच के लिए जगह चाहिए, आप लोग बताइएगा, हम वहां पर बनवा देंगे। कि देश के लिए आए जो बलिदान दिए, तो एक मंच देने में हमको क्या रहा? हम आपका सेवक है, सेवा करने के लिए आपके बीच आए। आप लोगों ने मौका दिया दो दो बार, एक बार लोकसभा के सदस्य बनाने का काम किए और पुनः विधानसभा में भेजने का काम किया, तो इससे बड़ा आप क्या चाहिए? जो सम्मान यहाँ के लोगों ने हमको देने का काम किया, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। और जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। और भी क्या, चार साल बचा हुआ है आज का, एक साल तो गुजर गया कोरोना में, सभी पैसा हम दे दिए, दो करोड़ सरकार ले लिए, एक करोड़ बचा, उसमें मेडिकल पीएससी तीनों प्रखंड में देने का काम किया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य जब भी खराब हो उनको सहायता मिले, सुविधा मिले, बेड, गैस सिलेंडर, सब चीज का हम यहाँ पर देने का काम किया। मार्च के बाद जब ठंड आएगा तो उसमें हम यहाँ भी बना देंगे, पुस्तकालय पर भी सभी लोगों ने कहे वहां भी बनाने का काम करेंगे। और भी विकास का क्षेत्र में जहां भी है हम सभी जगह चाहेंगे कि जितना पैसा मिलता है उसको खर्चा करके सब जगह हम काम करने का करेंगे। और इस छठ पर्व के शुभ अवसर पर खास करके माताएं लोग बहुत कष्ट करके इस पर्व को मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के मनाते हैं, लोग एक साथ मिलकर के रोड साफ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, हिंदू भी मुसलमान भाई भी, यह एक मिसाल उनके भी जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें हिंदू भाई भी मिलकर के करते हैं। आप तमाम लोगों से मैं पुनः इस छठ पर्व के अवसर पर अपनी ओर से, अपने पूरे विधानसभा के जनता की ओर से आप
आपलोगों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और माँ छठ सदा आप लोगों को खुशी रखे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ताकि खदामनपुर भी जाना है, दो मिनट के लिए वहां भी चले जाएंगे, कम से कम ये लोग कहेंगे कि मैं आए हैं। पहले तो प्रोग्राम यही का था, लेकिन बाद में वहां से भी फोन आया तो जाना ही पड़ेगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विनोद, शहीद विनोद की अमर रहे, अमर रहे।